हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया? चलिए तो आज का क्लास विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास के पहले एक इंफॉर्मेशन देते हैं, स्मॉल इंफॉर्मेशन देते हैं, छोटा सा, कि अब जो हम इंग्लिश मीडियम का जो वीडियो डालेंगे दैट विल बी ऑल्टरनेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज हम वीडियो डालते हैं तो आज ना डाल के अब परसों आज डाल दिए तो कल नहीं डालेंगे, डे आफ्टर टुमारो। अब ऐसा पैटर्न चल रहा है, आज इंग्लिश डाले, जैसे कल जो डाले थे हिंदी वीडियो डाले, आज इंग्लिश, कल हिंदी, परसों इंग्लिश एंड नेक्स्ट हिंदी, उसके नेक्स्ट इंग्लिश, ऑल्टरनेट वेज में चल रहा है। ऑल्टरनेट वेज में वीडियो अपलोड होगा, नॉट डेली, एंड द लेंथ ऑफ द वीडियो विल बी अराउंड 40 to 45 मिनट। There'll be increment in length of video, okay? तो अब हम क्या करेंगे, आज इंग्लिश, कल हिंदी, उसके अगले दिन इंग्लिश, उसके अगले दिन हिंदी, so you'll be getting videos in alternate ways, ठीक है ना? Alternate में वीडियो अपलोड करेंगे, so that कि अगर वो आपको एक दिन बीच गैप दे रहे हैं, इट इज बिकॉज कि आप वहां पे रिवीजन कीजिए। द टॉपिक विच आई हैव टॉट इन प्रीवियस क्लासेस, व्हाट यू हैव टू डू इज यू शुड रिमेंबर द प्रीवियस क्लासेस, एवरी टॉपिक, ठीक है ना? तो आज का जो क्लासेस होगा विल बी मच मोर इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली देयर विल बी 1 mark क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक और 2 marks क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक विच विल बी डाउट इन दिस क्लास, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट किया जाए आज का लेक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, जो कि है क्लास 34, ठीक है? और वही बच्चा देखेगा जिसका मीडियम इंग्लिश मीडियम है, जिसका मीडियम है इंग्लिश, तो इंग्लिश मीडियम लिख दिए थी, है ना? तो आपका जो मीडियम होगा वो हो जाएगा इंग्लिश मीडियम, ठीक है? और जो चैप्टर 1 थोड़ा सा और चले, बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, आफ्टर दैट बहुत छोटा छोटा चैप्टर मिलेगा इन नेक्स्ट क्लासेस। तो आपका चैप्टर 1 जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, है ना? तो चलिए, हाँ, एक बच्चा क्या कमेंट किया था, दिमाग में बैठ गया कि सर क्वेश्चन हार्ड करवाइए। मतलब हार्ड क्या होता है, व्हाट इज हार्ड? जो हम नहीं, जैसे प्रीवियस क्लासेस में क्वेश्चन जो दिए वो आपसे नहीं बना, बट वंस आई सॉल्व आपको इजी लगने लगा। तो हार्ड वही होता है जो आपसे सॉल्व ना हो, वही हार्ड कहते हैं ना, जो सॉल्व हो जाता इजी लगने जाता लगने लगता है। तो हम सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे सारा, आप बताइएगा कौन सा हार्ड है, सब चुटकी में बनाइएगा, बस मेरा नोट्स रिमेंबर होना चाहिए, सब चुटकी में बनेगा, सब बोलेगा क्या कि इजी है। तो इजी क्या होता है, इजी जो बन गया आपसे दैट इज इजी, और जो नहीं बना दैट विल बी हार्ड, ठीक है ना? तो आपको और भी क्वेश्चन है जैसे पूछना है तो यू कैन
ask your question in the comment section. Once I get the time after finishing the chapter, once I get the time, I'll definitely solve that question. So, आप क्या कीजिए, आपके पास जो भी क्वेश्चन मिले लगे हार्ड है. हार्ड इसलिए लगता है क्योंकि आप ट्राई नहीं करते. हार्ड कुछ भी नहीं होता है, वही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो इजी लगने लगता है. तो हार्ड कुछ नहीं है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, एवरीथिंग विल बी इजी, है ना. तो अब जैसे हम एक टाइप का क्वेश्चन करा दिया, अब लड़का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन नहीं करेगा खुद से, तो हम कितना न्यूमेरिकल करें. हम तो, मेरे पास तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में लाख प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है विच कैन नॉट बी काउंट. सो इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑनलाइन क्लास, अदरवाइज आई वुड हैव सॉल्व एवरी न्यूमेरिकल्स, वेदर इट इज एनसीईआरटी, एचसी वर्मा, एम करीम, I can solve all the questions, but we don't have sufficient time, right? We have some limited time, like 40 to 45 minutes. In that time only, I have to cover topic also and numerical also, right? तो ये सब है. तो जो type पढ़ा दिए, तो what you have to do is, you have to pick any book and you should solve question from that book only. Suppose quantization of charge, I have completed. So what you have to do is, you have to pick any question which is from quantization of charge and you should solve it. You should not depend upon me. If you want to crack IIT, NEET, then what you have to do is, you have to solve your problem by yourself only. हम कितना करें? हम तो maximum 10 question करा सकते हैं. And हम कराएं conservation of charge, कोई नहीं कराता, हम कराएं, जाके देख लीजिए. अगर आपको video कोई भी करवाया conservation of charge पे numerical, तो बात कीजिए हमसे. जितना quantization of charge पे हम पूरा numerical कराएं, देख लीजिए अगर कोई कराया है तो. देख लीजिए आप सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स पे जितना क्वेश्चन कराए हम, आप देख लीजिए ऑनलाइन में कोई कराया है तो. सिंपल सा बात है, वी हैव डन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. समझ में आ रहा है बात. तो सो यू शुड कंपेयर, आप देख लीजिए अगर आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ट पे कहीं न्यूमेरिकल मिल जाए, ठीक है, ऑनलाइन बात कीजिए. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ट पे हम 6-7 न्यूमेरिकल किए, देख लीजिए. या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे वी हैव डन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, दैट इज 3 क्वेश्चन और मे बी 4 क्वेश्चन. तो आप देखिए वहां पे ऑनलाइन अगर कोई कराया है तो बिफोर कमेंटिंग एनीथिंग यू शुड सी अदर टीचर हैव डाउट और नॉट, है ना. तो ये सब आपको देखना पड़ेगा. हम पूरा अच्छा लेवल का क्वेश्चन करा रहे, अगर वो बन जाता है इजी वे में तो आपका वो बेनिफिशियल है, बिकॉज टॉपिक आपके लिए इजी हो रहा है. दैट इज व्हाई यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन. इफ टॉपिक इज इजी, यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, मींस यू कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन. सो व्हाट आई एम डूइंग फॉर यू इज, आई एम मेकिंग द टॉपिक इजी. दैट इज व्हाई यू विल लाइक कि क्वेश्चन इज वेरी इजी. अगर इन अ स्पीड मैनर अगर हम लेके चलते हैं, बहुत टॉपिक कवर कर दिए, 1 घंटा में हम बहुत टॉपिक कवर कर दिए, तो डेफिनेटली टॉपिक विल बी हार्ड. एंड वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम मींस यू कैन नॉट सॉल्व, एंड फॉर यू दैट क्वेश्चन विल बी हार्ड. तो इफ यू विल लाइक क्वेश्चन इज इजी, मींस आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर यू. So that you feel question is easy, ठीक है ना. तो क्वेश्चन अगर डिफरेंट क्वेश्चन करना है, हम जितना करवा सकते करवाते हैं, जितना बोर्ड में पूछता है करवाते हैं, लेकिन मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है. अगर एचसी वर्मा करना है आप कीजिए, जिस दिन चैप्टर खत्म होगा तो विल हैव नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स,
नंबर ऑफ न्यूमेरिकल दैट इज 20-40 न्यूमेरिकल्स एंड एक दिन के अंदर 9 घंटा लाइव आके सब क्वेश्चन कराएंगे। आपको जितना क्वेश्चन मिले कमेंट कर दीजिए, हम सब देखते हैं, एक एक कमेंट देखते हैं। तो आप क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, वेदर इट इज फ्रॉम एससी वर्मा और एम करीम, आप पोस्ट कीजिए, कमेंट कीजिए एंड डेफिनेटली हम सॉल्व करेंगे, लेकिन वंस वी फिनिश द चैप्टर। देखिए 9 घंटा लाइव आके हम एससी वर्मा, एम करीम, एनसीईआरटी सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दें, ठीक है ना। बट आपको 9 घंटा लाइव सुनने के लिए पेशेंस भी होना चाहिए, वो करेंगे, देखते हैं कितना बच्चा लाइव में टिकता है। 9 घंटा हम टिकेंगे, देखते हैं आपकी आपके अंदर कितना पेशेंस है। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। एनसीईआरटी का अगर क्वेश्चन आपको इजी लगने लगे तो इट मींस इट इज गुड फॉर यू, क्योंकि हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर रहे हैं एंड यू फील लाइक क्वेश्चन इज इजी, तो ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, अच्छा है, क्वेश्चन इजी है लग रहा है आपको एनसीईआरटी का। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो हम लोग चैप्टर वन का, हम लोग चैप्टर वन का टॉपिक पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल ठीक है, तो हमारा टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाई मतलब दो, पोल मतलब पोल, दो पोल मतलब कुछ दो चीज होने वाला है, मतलब कुछ दू गो होगा, कुछ दू गो होगा, तो समझिएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल समझाते हैं, तो हेडिंग डाल लिए होंगे, आइए देखिएगा। अगर ये है निगेटिव चार्ज माइनस क्यू, इधर में है प्लस क्यू, तो देखिए ये जब दो चार्ज है दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड इज सेम, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन अपोजिट चार्ज है, एक माइनस है तो एक प्लस है। तो अगर अगर दो चार्ज है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए एंड जो साइन होना चाहिए निगेटिव एंड पॉजिटिव होना चाहिए, इट मींस अपोजिट होना चाहिए, एक माइनस तो दूसरा प्लस है ना, तो एक माइनस तो दूसरा प्लस। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाई मतलब दो, बोले थे ना कोई चीज दो होगा, तो दो देखिए दो चार्ज है ना। तो देखिए अगर दू गो चार्ज होगा जिसका मैग्नीट्यूड, दिमाग बैठा ले, जिसका मैग्नीट्यूड क्यू क्यू यहां भी, जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो एंड इसका नेचर अपोजिट हो, नेचर अपोजिट इन द सेंस कि इफ एक निगेटिव है तो दूसरा इज पॉजिटिव, और साथ ही में दोनों ये सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, दोनों सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, तब इस चीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम देखिए अगर सेम मैग्नीट्यूड हो, पहला कंडीशन, दूसरा
अपोजिट नेचर हो, तीसरा सेपरेशन स्मॉल हो। ये तीनों अगर याद हो गया तो फिर यही है इलेक्ट्रिक डाइपोल, यही है इलेक्ट्रिक डाइपोल, यही है इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहला, दो चार्ज रहेगा तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, नेचर अपोजिट, एंड दोनों के बीच में सेपरेशन जो होगा स्मॉल सेपरेशन होगा, स्मॉल डिस्टेंस होगा, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे अगर हम बात करें -5 और +5, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। वाई ये चार्ज है तो कूलम कह लेते हैं, ठीक है ना, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। बहुत बच्चा बोला कि कैसे सर, हाउ इट बिकम्स इलेक्ट्रिक डाइपोल, बोले बिकॉज मैग्नीट्यूड इज सेम, बिकॉज मैग्नीट्यूड इज सेम एंड बोथ चार्जेस आर अपोजिट इन नेचर। यू कैन सी यहां पे माइनस और यहां पे प्लस, तो दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर ऐसे लिखें -2q + 2q, डिस्टेंस तो है यहां पे थोड़ा सा स्मॉल डिस्टेंस है, ठीक है ना, तो दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाई? बिकॉज चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और इसका नेचर अपोजिट है, माइनस टू प्लस, एंड सेपरेशन इज स्मॉल। देन हम लोग कह सकते हैं ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब यहां पे -3q + 2q, क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा? क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा? नहीं सर। कारण वाई? बिकॉज मैग्नीट्यूड इज नॉट सेम बट नेचर देखिए अपोजिट तो है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होगा क्योंकि इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, है ना। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे एग्जाम्पल में आपको दिखाते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल केमिस्ट्री में। जैसे आप पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोजन का वैलेंसी इससे एक निकलता है तो +1 होता है। अब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन, फ्लोरीन वाला ग्रुप हैलोजन ग्रुप है, तो इस पे हमेशा आता है वैलेंसी -1 हमेशा। तो देखिए हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है HF, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका चार्ज जो है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, इनके बीच स्मॉल सेपरेशन भी है, कुछ बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये आपका HF जो है वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इन अ सेम वे HCl भी आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कारण इसका वैलेंसी 1 और इसका -1, तो चार्ज मैग्नीट्यूड इज सेम बट नेचर जो साइन है अपोजिट है। तो ये देखिए ये आपका HCl एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड इज सेम एंड साइन इज अपोजिट, साइन इज अपोजिट HCl। अगर हम बात करें H2O तो H2O भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कारण एक रहता था तो +1 होता है, तो लेकिन 2 लग गया,
दो गो हाइड्रोजन हो गया तो ये कितना हो जाएगा प्लस टू, और ओ स से टेपो उसका सारा का वैलेंसी माइनस टू होता है, ऑक्सीजन का सल्फर जो नीचे में आते जाता है ओ स से टेपो वाला, ठीक है ना, तो इन सबका वैलेंसी माइनस टू। तो ये बताइए ये है कि नहीं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये सब एग्जाम्पल हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो आप क्या समझे इलेक्ट्रिक डाइपोल से, दू गो इक्वल चार्ज होना चाहिए और दोनों अपोजिट होना चाहिए, क्या दू गो इक्वल चार्ज और दोनों अपोजिट होना चाहिए, सेपरेटेड बाई दोनों सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस, तब हम कहेंगे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो चलिए इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो सब कोई पेन कॉपी निकाल लेंगे, तो चलिए लिखिएगा, टू दू गो इक्वल होना चाहिए, टू इक्वल एंड अपोजिट, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए और दोनों के बीच में सेपरेशन होना चाहिए, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस, इस कॉल्ड, इसी को क्या कहते हैं, इस कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा, अभी बताएं हाइड्रोजन फ्लोराइड HCl H2O, अब यहां से नहीं मालूम, याद नहीं आ रहा है दिमाग पे कि अब क्या होगा, तो लगा दीजिए एक्सेट्रा ETC इनडॉग थिंकिंग कैपेसिटी, अभी सीरियस मत लीजिए, ठीक है ना, एक्सेट्रा मतलब इत्यादि और भी होगा, ठीक है ना। तो ETC इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब एकदम सिंपल भाषा में माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू एंड प्लस क्यू बिकॉज मैग्नीट्यूड सेम एंड अपोजिट है, ठीक है ना, तो इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, ठीक है ना। अब इनके बीच में जो हम डिस्टेंस लेंगे अभी बता देंगे आपको, क्या लेंगे, टू वे लेने वाले हैं, ठीक है ना, तो बाद में बात करेंगे। चलिए इतना उतार लिए, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आइए आगे बात किया जाए, चलिए देखिएगा, अब दो पॉइंट इसमें लिखेंगे, एक दो, पहला पॉइंट समझिए, सपोज ये आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है कि नहीं है, है सर, क्यों, मैग्नीट्यूड सेम और अपोजिट है, ठीक है। अब जो है यहां पे माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, तो दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो ये जो लाइन है ना जो इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ये जो लाइन जो दोनों को जोड़ता है, इस लाइन को कहा जाता है एक्सियल लाइन, क्या कहते हैं, एक्सियल लाइन, द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। तो क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट, इसको क्या कहा जाता है, एक्सियल लाइन, उतना जरूरी नहीं है लेकिन चलिए पॉइंट बाय पॉइंट सब लिख देंगे, एक भी छोड़ेंगे नहीं, द लाइन ज्वाइनिंग, द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस
The line joining the two charges is called axial line. ठीक है. दूसरा जो हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा. अब कहीं ना कहीं इस लाइन पे, इस लाइन को आधा दबा दिए, मतलब ये पॉइंट क्या कर रहा है, इसको इतना आधा बांट दिया, आधा दबा दिया. तो इसको क्या कहेंगे, इस चीज को, इस पॉइंट को आप क्या कहिएगा, इस पॉइंट को आप मिड पॉइंट कहेंगे. मिड पॉइंट, मिडिल वाला पॉइंट, मिड पॉइंट. मिड पॉइंट मैथ्स में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फॉर्मूला भी पढ़ने नहीं सब. तो ये मिड पॉइंट है, ठीक है ना. अब मिड पॉइंट से जो ऐसे लाइन पास कर रहा है, ये लाइन, ये वाला लाइन, इसको इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं, इसको एक्सियल लाइन, इसको इक्वेटोरियल लाइन. मतलब जो लाइन इस मिड पॉइंट से पास करे और वो लाइन परपेंडिकुलर हो, किसके, एक्सियल के परपेंडिकुलर हो. मतलब ये एक्स वाई, तो वाई एक्सिस वाला क्या है, वाई एक्सिस वाला कौन है, इक्वेटोरियल लाइन. तो देखते हैं, वाई एक्सिस हमेशा एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है. तो लाइन विच इज पासिंग थ्रू मिड पॉइंट एंड इज परपेंडिकुलर टू एक्सियल लाइन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन. इस लाइन को हम लोग इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं. क्या लिखेंगे, द लाइन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर, समझ जाएगा ना, इधर परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन. तो ये दो पॉइंट हमको जानना था, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन. ठीक है, इसको मिटाते हैं, दो पॉइंट लिख लिए. चलिए अगला, ध्यान से देखिएगा अगला क्या हो जाएगा, ध्यान से समझ जाइए अगला क्या. अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. लिखेंगे इलेक्ट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये दोनों मजबूत होना चाहिए, तब आगे वाला टॉपिक जो है, दो तीन को टॉपिक है, एकदम मजा आ जाए, फुल एंटरटेनमेंट हो जाएगा. वंस यू अंडरस्टैंड दोनों टॉपिक, मींस अगला लेक्चर विल बी वेरी इजी. समझ में आता है भाई, बहुत है बढ़िया से सर. चलिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको हम डिनोट करेंगे पी से. चलिए अब आते हैं, समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है. तो ये देखिए, कौन है सर, इलेक्ट्रिक डाइपोल है. काहे है सर, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अपोजिट है, स्मॉल सेपरेशन है, बस बहुत बढ़िया. तो ये जो इस सेपरेशन, जो दूरी दोनों चार्ज के बीच का लिया जाता है, वो लिया जाता है 2a, ठीक है ना. ये कौन है, मिड पॉइंट, ठीक है. तो ये 2a लिया जाता है. अब जब 2a ले लिए ना, कोई कोई किताब d भी लेता है,
सेपरेशन जो है इसको डी भी लेता है, कोई कोई किताब इसको एल भी लेता है, लेकिन जो किताब एल लेता है और डी लेता है दैट किताब इज मेकिंग दैट टॉपिक मच मोर हार्ड। अगर एल और डी लीजिएगा थोड़ा सा लड़का में दिक्कत आएगा, समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए बहुत बच्चा को डर लगता है एल बाई टू से डी बाई टू, बट्टा में कोई चीज आने लगता है ना तो लड़का डरता है, लेकिन वहीं अगर ऐसे होता डी होता एल होता तो इसको ये सब कैलकुलेट करने में मजा आता है। जैसे बोला जाए डी प्लस डी खुशी खुशी टू डी, बोल दिया जाए डी बाई टू प्लस डी बाई थ्री ले हालत खराब। तो बट्टा में आ जाता है तो थोड़ा सा तो खराब लगता है, तो इसलिए जब एल लिया किताब तो देखिए कहां पे टॉपिक को हार्ड करने वाला है। जब एल लिया हमको बंटवारा करना रहा, एल को आधा आधा बांटना रहेगा, तो ये इतना एल बाई टू हो जाएगा और एल बाई टू, तो ये क्या बनाया चीज को टफ बनाया, आगे में जाके इसका कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। दैट इज वाई एल लेने का कोई फायदा नहीं है ना डी लेने का कोई फायदा है। अब अगर हम ये डिस्टेंस को टू ए लेते हैं, टू ए लेते हैं तो अब जो है आधा आधा बांटना बहुत इजी हो जाए, टू ए का आधा ए और ये ए, तो अब जो है कैलकुलेशन आगे में बहुत आसान पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए टू ए लिया जाता है। कोई किताब देखिए डी भी ले लेगा एल भी ले लेगा तो घबराइएगा नहीं, वो भी सही है, बस चीज को किताब डरवा रहा है, किताब डरवा के टॉपिक को भारी कर रहा है, ठीक है ना। चलिए तो ध्यान से देखिए, हम पढ़ रहे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है उसको पी से डिनोट करते हैं, किससे पी से, और ये होता क्या है तो ध्यान से देखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, या तो ये ले लीजिए या तो ये ले लीजिए, अरे दोनों तो सेम है, ये अगर पांच है तो ये भी तो पांच कूलम है, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही है, पहले ही जानते हैं। तो इसका कोई आइदर इधर मैग्नीट्यूड ले लीजिए, आइदर मैग्नीट्यूड ले लीजिए, या तो ये ले लीजिए चार्ज का मैग्नीट्यूड, या तो ये, दोनों तो सेम है, प्लस माइनस का नहीं बात करें हम, ओनली मैग्नीट्यूड का बात करें, क्यों ले लिए। और इस क्यू को ये जो डिस्टेंस है उससे गुना कर दीजिए, क्यू इंटू टू ए, क्यू इंटू टू ए, क्यू इंटू टू ए, ये मैग्निट्यूड और ये सेपरेशन, जब दोनों गुना करते हैं तो ये आपका मिल जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के चार्ज के बीच का दूरी अगर गुना कर दिए तो व्हाट यू विल गेट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना। तो दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्या चार्ज आ ये वाला गुना कर दीजिए इस क्यू इंटू टू ए, तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हम कैसे पढ़ेंगे इसको, यहां पे हम पढ़ेंगे इट इज डिफाइन एज, कौन इसको डिफाइन कर रहे हैं, इट इज डिफाइन एज प्रोडक्ट ऑफ किसका किसका प्रोडक्ट, ये दोनों का, हाँ तो प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, आइदर माने ये गो चार्ज, आइदर चार्ज ऑफ किसका, चार्ज किसका है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का है, हम क्या बोलेंगे, आइदर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, आइदर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम जो कि टू ए है, तो इनके प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज डिफाइन एज प्रोडक्ट ऑफ किसका किसका प्रोडक्ट भाई, आइदर चार्ज, एगो चार्ज, आइदर चार्ज
ऑफ आइदर चार्ज ऑफ किसका इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, इनका प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसका डेफिनेशन लिख लेंगे। तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज डिफाइन एज, इट इज डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज ऑफ, किसका चार्ज ऑफ, ये माइनस क्यू है ये प्लस क्यू है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, आइदर चार्ज ऑफ किसका इलेक्ट्रिक डाइपोल का, या तो ये दोनों तो सेम ही है, आइदर चार्ज ऑफ, जैसे मान लेते हैं माइनस पांच है अब प्लस पांच है तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके बीच का दूरी है 10 सेंटीमीटर। आपको बोला जाएगा इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो आप बोलिए P बराबर Q, आइदर आइदर मतलब या तो ये तो दोनों तो बराबर है पांच गुना इनके बीच का दूरी, तो बोलिए कितना है दूरी 10 सेंटीमीटर, तो पांच गुना 10 सेंटीमीटर है तो मीटर में कर देंगे तो पांच गुना 10/100 निकल गया डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। तो ये आपका ऐसे निकाला जाता है, तो क्या हो गया इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज ऑफ किसका ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, देम मतलब दोनों चार्ज, ठीक है ना। इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है ना। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया। फोटो बनाना है तो माइनस क्यू प्लस क्यू और दूरी क्या लिए टू के लिए, तो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो हो जाएगा पी बराबर क्यू क्यू आइदर चार्ज या तो ये क्यू इंटू टू है, तो ये आपका फॉर्मूला होगा, मेन फॉर्मूला ये। अब देखिएगा ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसका डायरेक्शन होता है। तो देखिएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो जैसी वेक्टर क्वांटिटी बोले तो बच्चा सब चिल्लाए सर डायरेक्शन, बोले डायरेक्शन होगा बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट मीन्स इट मस्ट हैव डायरेक्शन, होना चाहिए डायरेक्शन, व्हाई बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो सुन लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। दिमाग में बैठा लीजिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिखेंगे, तो इसलिए इस पे तीर मार दिए मैं, तो ये फॉर्मूला है। अब वेक्टर फॉर्म ऐसी झुट्टों का लिख रहा है लेकिन लिख देते हैं, पी बराबर क्यू इंटू टू ए, तो ये वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर में तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन दिखाने के लिए कोई चाहिए ना, तो डायरेक्शन कहां है माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो डायरेक्शन दिखाने के लिए कौन आता है, पहले भी बताए डायरेक्शन कौन दिखाता है सर यूनिट वेक्टर दिखाता है, याद आया यूनिट वेक्टर दिखाता है, तो इसलिए यहां पे एक यूनिट वेक्टर देते हैं जो कि यूनिट वेक्टर क्या कर रहा है डायरेक्शन को दिखा रहा है, कहां से कहां माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर।
तो इसलिए वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन दिखाने वाला होना चाहिए, इसलिए हम ऐसे करते हैं। तो ये किस फॉर्म में लिखे हैं? ये है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म इसको उतार लेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को उतार लिया जाएगा। अब इसमें हम टोटल चार पॉइंट लिखेंगे, चार पॉइंट लिखेंगे तो इसको उतार लिए होंगे। तो चलिए लिखा जाए चार पॉइंट। पहला बताइए, यहां पे बना देते हैं माइनस क्यू प्लस क्यू। डायरेक्शन बोलिए कहां से कहां, माइनस क्यू से प्लस क्यू। दूरी बोलिए क्या है, टू ए है, ठीक है। तो चलिए बताइए स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी? सर वेक्टर क्वांटिटी। तो लिखेंगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसका डायरेक्शन कहां से कहां, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम कहां से, फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। पहला पॉइंट। अच्छा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या दिया, पी बराबर क्यू इंटू टू ए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को पी से दिखा रहे हैं, पी बराबर क्यू इंटू टू ए। तो अब इसका आपको यूनिट निकालना है, ऐसा यूनिट। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, इसका चार्ज का क्या होता है, कूलम। और टू ए क्या है, टू ए क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो आपका बोलिए यूनिट क्या है, कूलम मीटर। तो इट्स एसआई यूनिट इज, दूसरा पॉइंट इज, इट्स एसआई यूनिट इज कूलम मीटर, इट्स एसआई यूनिट इज कूलम मीटर, ठीक है। तीसरा इसका डायमेंशन बताइए। तो जी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो जब हम चार्ज पढ़ा रहे थे तो चार्ज का डायमेंशन हम बताइए तो क्या लिखे थे, ए इंटू टी। जाके पीछे में चेक कीजिए, चार्ज का डायमेंशन ए इंटू टी। और क्योंकि ये दूरी है, बिकॉज इट इज अ डिस्टेंस, तो इसका डायमेंशन तो बच्चा बच्चा जानता है जो इलेवन पढ़ा है, बोलिए क्या, एल। तो इसका डायमेंशन एल। तो बताइए क्या हो जाएगा, ए टी एल, कुछ नहीं है तो पावर वन वन वन। तो इसका डायमेंशन हो जाए ए वन टी वन एल वन। तो कैसे लिखेंगे, इट्स डायमेंशन इज, पहले एल वन लिख लेते हैं, उसके बाद टी वन, क्योंकि एम एल टी रूप में होता है। तो एल लिख दिए, टी लिख दिए, और ये बाद में लिख लीजिए। तो ये इसका डायमेंशन है। अगला एक है जो वन मार्क्स में पूछ चुका है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या हुआ, कूलोमीटर। लेकिन इसका एक और अदर यूनिट है जिसको डेबाई कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डेबाई कहते हैं। क्या कहते हैं, डेबाई कहते हैं। तो चलिए इसका अदर यूनिट एक है, वन मार्क्स में पूछ चुका है बहुत बार। इट्स अदर यूनिट इज, इट्स अदर यूनिट इज क्या, डेबाई, डेबाई। और एक डेबाई में कितना किलोमीटर है ये भी पूछा है, एक डेबाई में कितना किलोमीटर होता है। तो एक डेबाई में, एक डीबी में, डेबाई में, इधर लिख देते हैं, याद कर लीजिएगा, एक डीबी में होता है तीन गुना, तीन पॉइंट तीन तीन गुना दस के पावर माइनस तीस किलोमीटर। तो ये आपका एक डेबाई में इतना किलोमीटर होता है, ये कन्वर्जन, एक डेबाई में इतना किलोमीटर होता है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े,
आज हम लोग पढ़े इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, टू इक्वल चार्ज एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। उसके बाद क्या पढ़े, एक्सियल लाइन क्या होता है। उसके बाद क्या पढ़े, इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है। उसके बाद क्या पढ़े, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है सर, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक, वेक्टर है कि स्केलर है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सर वेक्टर है। बोलिए इसका डायरेक्शन क्या होगा, सर माइनस क्यू से प्लस क्यू। इसका यूनिट क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका अदर यूनिट क्या होगा, तो ये आज हम लोग पढ़ लिए। कल आपका, कल मतलब डे आफ्टर टुमारो, देल बी टू क्वेश्चन, वन फ्रॉम एनसीईआरटी और एक हम करेंगे अपने साइड से। तो दो क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे, जो एक एनसीईआरटी में ही वो क्वेश्चन दिया हुआ है और एक क्वेश्चन हम खुद का करेंगे। तो देल बी टू क्वेश्चन, ठीक है, विच विल बी सॉल्व डे आफ्टर टुमारो, ठीक है ना। बाकी पढ़ते रहिए, रेगुलर पढ़िए, ठीक है ना, रेगुलर पढ़िए, ठीक है, और इंजॉय करते हुए पढ़िए, फुल इंटरेस्टिंग के साथ, लगे कि फिल्म देख रहे हैं, है ना, मूवी देख रहे हैं, है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड टेक केयर।